असलकुम छब्बीस uh, अगस्त को एक बहुत अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक वाक़ पेश आया जब बी एल ए जो कि दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने बलोचिस्तान पूरे में बहुत सफिस अटैक्स किए सिविलियंस नेवीज़ पुलिस और मिलट्री अफराद और इन्फ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ उसमें अनफॉर्चुनेटली सत्तर से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं यह बताया जा रहा है अभी फिलहाल और ये उन्होंने जो अकबर बक्ति साहब जो एक ट्राइबल लॉर्ड थे बलोचिस्तान के उनकी बरसी के दिन उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने ये किया और इसकी कुछ आइडियोलॉजिकल और प्रोपागेंडा की वजूहत होती हैं वो एक बलोच कॉम के अंदर इश्ताल पैदा करने के लिए कि हमने बदला लिया ये अकबर मुख्ती की जो एक अनफॉर्चुनेट इसनेशन थी जो मुशरफ हमारे एक मिलिट्री डिटेटर ने की थी बीएलए को अगर आप समझेंगे तो बीएलए एल ए बनी तो टू के अंदर है लेकिन इसकी जो आप कह लें स्परिचुल एसेस्ट्री या जेनेटिक एनसेस्ट्री है वो 70s में जाती है वहाँ आपको नज़र आता है कि Uh, जब दो भाई थे स्पेसिफिकली क्योंकि एक मजीद ब्रिगेड भी है बैलह का जो कि उनकी आप समझ लें एलिट फाइटिंग फोर्स है उसमें कुछ फ़िदाइन स्क्वाड्स भी हैं जो लोग सुसाइड ब्लास्ट जैकेट वगैरह फाड़ते हैं जाके उसमें खातिन भी हैंफार्चुनेटली वो नाम जो उन्होंने रखा है वो मजीद लांगू सीनियर एक, एक साहिब थे जो कि एक लीडर थे यही एंटी आ, एंटी पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट आ, आप कह लें तंजीम चला रहे थे उन्होंने ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक कातलाना हमला किया था जब ल्फ़ार अली भुट्टो ने वामी नेशनल पार्टी की जो हुकूमत व मुंतखब थी बलुचस्तान में उसको डिज़ोल्व किया था तो वो भी कत्ल हो गए और उनके बा, बाद में उनके भाई जो हैं मजीद लांगू जूनियर वो भी कत्ल हुए इसी राह के अंदर तो ये एक हिस्ट्री है बलुचिस्तान के अंदर जब कल आत इस्टेट हुई फिर ्फ़ार अली भुटो साहब ने जब मेडलिंग की वहाँ पर और वायलेंस का एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जब उनकी ज़ात पे अटैक किया गया और जब बाद में मुशरफ़ साहब भी आपको नज़र आता है यहाँ पे कि उन्होंने अननेसेसरली इंटरवीन किया और अकबर बुख्ती को कत्ल कर दिया यह एक पूरी तारीख़ है पाकिस्तान की जहाँ पाकिस्तान ने फेलियर्स किए हैं पाकिस्तानी स्टेट अपराइट ने कि बलोच लोगों को इनफ्रेंचाइज़ किया जाए और कौी धारे के अंदर लाया जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तालीम और वगैरह वग़ैरह उनको रसाई दी जाए डेमोक्रेटाइज़ किया जाए रीजन को बल्कि उन्होंने वहाँ पे कुछ सरदारों को अपने चहीते जो इलीट्स हैं उनको इनफ्रेंचाइज़ किया और उन्हीं के थ्रू बलोच लोगों को कंट्रोल में रखा बी जो है अपनी जेनेटिक मेमोरी या अपनी अपनी स्परिचुअल मेमोरी इसी कनेक्शन के साथ लिंक करते हुए उन्होंने अपने ब्रिगेड्स का नाम मजीद ब्रिगेड्स रखा बी की तहरीक की शुरुआत टू में होती है लेकिन उनकी जो वायलेंस है वो पीक पर जाती है जब मुशरफ इंटरवेंशन करते हैं बलोचिस्तान के अंदर जो कि एक इजिटरमेट मिलट्री डिटेटर थे तारीफ़ तो उनकी बहुत मौजूद है हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके में लेकिन अब वक्त के साथ उनको आस्ता आस्ता समझ आ रही है कि शायद मुशरफ साहब इतने अच्छे नहीं थे असला लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ तो हमने ये सोचा कि इनशाला हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली चार क्लासेस बनेंगी इनशाला इसके अंदर हम बारह किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे एक लिस्ट है बुक्स की मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ लिस्ट है इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है कुछ पोलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नोट गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग होती है और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है हमारी क्लासेज जो होंगी वो इंटरेनिंग होंगी फन होंगी लेकिन

अब ये बी का प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ़ एक लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बलूचिस्तान की जो तहरीकें हैं रही हैं इस तरह की सेपरेटिस्ट उनको इतनी पुश्त पनाई लोकली नहीं मिलती इंडिजनसली बलोच लोगों के अंदर उनको ज़्यादा पुष्ट पनाईर ईरान और इंडिया मिलती है और इसकी आप इसके शवाहद जो हैं वो नुमायाँ हैं मौजूद हैं आप इंटरनेट पर देख सकते हैं आप कोई पुराना अखबार खोल सकते हैं इंटरनेशनल अखबार खोल सकते हैं आपको नज़र आता है कि बलोच सेपरेटिट लीडर्स जो हैं कई उनमें यूरोप के अंदर रहते हैं कई दुबई के अंदर रहते हैं और कई ईरान के अंदर ख़ुद मौजूद होते हैं इनफैक्ट बी एल ए की जो तीस से चालीस जमातें थी उसके अंदर जो सब ग्रुप्स आप कह लें बी एल ए तो स्पेसिफिकली जो डिफरेंट मलेशिया ग्रुप्स थे बलोचतान में जो ऑपरेट कर रहे थे उनमें से अक्सर व बेशतर ईरान के अंदर बेस थे अपनी यानी बलोचान सिस्तान के अंदर अपनी फैमिलियाँ उन्होंने बसाई हुई थी और वहाँ से आके हमले किया करते थे सिमिलरली आपको नज़र आया कुलभूषण यादव जो कि एक इंडियन नेवी के ऑफिसर थे यहाँ पे स्पाइंग कर रहे थे उनको दो से तीन साल हमारी स्टेट ने ट्रैक किया और उनके पूरे क्रिमिनल नेटवर्क्स को जो कराची तक जाते थे उनको एक्सपोज किया और अलहमद उनको अरेस्ट भी कर लिया क्योंकि जाहिर बात है सिर्फ स्पाई को पकड़ना मकसद नहीं होता क्योंकि उन्होंने खुद दो तीन साल उनसे दोस्ती भी चलाई थी मकसद ये होता है कि उनके क्रिमिनल नेटवर्क्स को भी पकड़ा जाए अगर आप कुलभूषण यादव के नेटवर्कस को समझें जो जो कुछ डिटेल हमें आज तक मिली है पब्लिक में और जो कुछ प्राइवेट में अवेलेबल है वो कभी कभी कुछ अफसरान मिलते हैं तो बता देते हैं तो आपकी टाँगें कांप जाएंगी कि किस हद तक उसका नेटवर्क पंजाब और बलुचिस्तान और सिंध के अंदर फैल चुका हुआ था स्पेसिफिकली सी पैक राउट्स को टारगेट करने के लिए आपको ये भी नज़र आता है कि बी एल ए भी सी पैक के राउट्स को टारगेट करती थी अब इतने बड़े एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पर आपको एसपूनाज नज़र आता है इंडिया की तरफ से ईरान की तरफ से जो आपके वीक पॉइंट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि वीक पॉइंट हमने बनने क्यों दिया ये बात अलग है कि हमने उसको अपने इंटरनल इंटेलिजेंस अपराटस से मिलिट्री अपराटस से वायलेंटली अपोज़ करना है अपने एसपिना अपने काउंटर एसपिनार के ज़रिए काउंटर इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने इन सेल्स को टेररिस्ट सेल्स को क्रिमिनल नेटवर्क को पकड़ना है डिफ्यूज़ करना है ये सब बातें बजाएं और उसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ मुख्तलिफ आ रहा होंगी कोई कहेगा कि सिर्फ एस एच ओ काफ़ी है और कोई कहेगा कि पूरी एक कनेक्टिक ऑपरेशन चाहिए आपको विद इंटेलिजेंस बैक्ट Uh, पूरा अपराटिस के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोलेब्रेशन के साथ यह प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा वीक पॉइंट अपनी कॉम के अंदर छोड़ेंगे तो उसको आपके दुश्मन एक्सप्लॉड ज़रूर करेंगे और मैंने लफ दुश्मन का इस्तेमाल किया है क्योंकि अक्सर और वेशतर आपको नज़र आएगा ईरान ने हमारे सी पैक के मामले में और गवादर के मामले में पाकिस्तान सा दुश्मनी का ही मुजाहरा किया जायज नाजायज़ मॉरल इमोरल ये डिबेट नहीं है है वो दुश्मनी की शक्ल ही क्योंकि उनके पास मकरान कोस्ट के ऊपर ही एक कंपीटिंग प्रोजेक्ट है वो चा बहार पोर्ट का है और लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने क्योंकि सी पैक को बहुत एक मिसट्रीट किया और बेल्ट एंड रोड इनिशटिव को इग्नोर किया है इमरान खान की हुकूमत एंड ऑनवर्ड से तो लग ये रहा है कि चाइनीज़ जो है वो बाईपास कर रहे हैं पाकिस्तान को वाया अफगानिस्तान एंड थ्रू चा बहार ना हो शायद ईरानियों के मनसूबे कामयाब हो गए इस तरह से लग रहा है बहरहाल उसके बावजूद यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दी जाती है यू की तरफ से ऑब्वियसली दी जाती है यू ए ई पुष्तपनाई भी देती है बलोच लीडर्स को क्योंकि यू खुद जबल अली पोर्ट के लिए उसने अपना यहाँ इसी रीजन में एक ये बता दो ना ये बात इमाराती हरामी हो गया इसमें आपको ये भी नज़र आता है कि जो इमराती कौम है यानी कौम तरीके तो यहाँ पर नज़र आता है कि जो यू है यूनाइटेड अरब एमरेट्स वो अपने जबल अली पोर्ट और अपने दुबई को बरकरार रखने के लिए वो भी बलोचिस्तान के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और पुष्त पनाई पर खड़े होते हैं बलोच जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं अक्सर उनमें वो दुबई के अंदर रहते हैं उनके फ़ंड्स भी वहीं मैनेज होते हैं तो ये जो एफ वाली मिसालें हैं वो हमारी जो जिहादी तंजीमें हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ चलती हैं इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के जो सवाल उठते हैं वो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं कश्मीर की हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी जो अफगानिस्तान की जो तालिबान की थी ये इनके ख़िलाफ़ सवाल आते हैं जो इस तरह की तनजीमें हैं जो आप समझ लें कि पाकिस्तान दुश्मन है या इस्लाम दुश्मन है इनके लिए बहुत अच्छी इंटरनेशनल फंडिंग भी और हर किस्म की कोऑपरेशन मौजूद होती है अब बीएलए जो है मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के अंदर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है पाकिस्तानी मिलिट्री अप्रैटिस को हमने बहुत ज़्यादा सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील किया हुआ है हिस्टोरिकली रिसेंट पास्ट के अंदर बी कि प्रॉब्लम को मेंटेन रखना जैसे कि अनफॉर्चुनेटली एम के एम एक जमाने में कराची में प्रॉब्लम थी जैसे कि खैबर के अंदर टीटीपी एक प्रॉब्लम बनती जाए बनती गई थी ये ऐसा लगता है कि हमारी स्टेट के अंदर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोसी के अंदर पॉलिटिकल क्लास के अंदर एक ऐसा फैक्शन है एक ऐसा तबका है जो फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट करता है बलूचिस्तान के स्मगलिंग राउट से चाहे वो ड्रग्स की डीजल की और और अशिया की स्मगलिंग हों उनसे बहुत बेनिफिट करता है तो ये उस क्लास के लिए बहुत एक नुकसानदेह चीज़ होगी अगर बी का यहाँ से ख़त्मा हो जाए और यहाँ पर जो सिविल और पीसफुल मूवमेंट्स हैं Uh, जैसे डॉक्टर महारंग बलोच की है सो अख्लाफ के बावजूद वो एक सिविल और पीसफुल मूवमेंट है राइट्स की खातर है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिड के अंदर है उस तरह की तहरीकों को जो सप्रेस किया जाता है और इनको जो है बढ़ावा दिया जाता है इसके अंदर एक बहुत नेगेटिव आंसर स्टेट का एक बहुत नेगेटिव फैक्शन इन्वॉल्व होता है और ये आपकी स्टेट के अंदर ही लोग होते हैं जो बेनिफिट कर रहे होते हैं इससे तो इससे कम्बैट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि क्रॉस कल्चरल कनेक्शन बनाए जाएँ जो मीडिया का लेंस है जिसके ज़रिए हम कम्यूनिकेट करते हैं अपने बलोच भाइयों और बहनों के साथ उसके अंदर एक इंक्रीज आपको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नज़र आनी चाहिए ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट मीडिया पॉडकास्ट हो गई आपके व्लॉगर्स हो गए लाइफस्टाइल व्लॉगर्स हमें आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए आपस में एक कांटेक्ट बनाना चाहिए और इंक्रीज अमाउंट ऑफ फिजिकल टूरिज़म करना चाहिए टू एंड फ्रो फ्राम बलोचिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान यानी आपस में बिकॉज इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक पीसफुल तहरीक के जरिए हो सकता है ऑब्वियसली वायलेंट क्रैकडाउन होगा एक तहदगर्द तंजीम है वो जुर्मनी कर सकते स्टेट के खिलाफ आवाम के खिलाफ ऐसे हथियार नहीं उठा सकते वो तो सब होगा लेकिन आवाम का रद्द जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए हमें ये नहीं कहना चाहिए आपको सौ अख्तिलाफ़ हो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ आपका राइट है आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जब डॉक्टर मारंग बलोच और जो वो एक सिविल राइट्स तहरीक चला रहे हैं वो भी दहशतगर्दे हैं या कोई भी अगर बलोच नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स खेलता है आदमी आप उसकी पॉलिटिक्स से डिसग्री कर सकते हैं लेकिन उनको सेपरेटिस्ट कह देना और उनको इस तरह की कोई टर्म से वो नवाज देना ये गलत बात है हमें एज़ पाकिस्तानी अक्रॉस द बोर्ड कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और अक्रॉस द बोर्ड हमें एक डेमोक्रेटिक पुश की ज़रूरत है जो हमारी स्टेट अपराइटस है जो इलीट का अपराइटस है जो कि इस इतने बड़े ख़िला छोड़ देते हैं जो कि फिर इंडियन और ईरानी आकर एक्सप्लोइ करते हैं हमें उसके ख़िलाफ़ भी मुकाला करना चाहिए और ये एक नरेटिव बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है कि बलोचियों ने पंजाबियों को मारा है नहीं बी ए पाकिस्तानी शहरीों को कत्ल किया इसका कोई ताल्लुक रेस एथनीसिटी के साथ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान इज़ ए वेरी डाइवर्स प्लेस हमारी जंजीर हमारी जो बाइंडिंग ग्लू है हमारी बाइंडिंग फोर्स है वो इस्लाम है तो इस्लाम की बुनियाद पे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एहतराम की बुनियाद पे ये आपको इस तरह की रेसिस्ट इस तरह की जाहिलाना आइडियालॉजीस में नहीं पढ़ना चाहिए यकीन हर कौम का दूसरी कौम के साथ कोई ना कोई नेगेटिव हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा होता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम अपना आज बर्बाद कर लें उसकी बुनियाद पे हमें इस ट्राइबलिज्म से बाहर निकलने की जरूरत है हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट करें अपने कपड़े अपने त्यौहार अपना म्यूजिक अपना लिटरेचर अपने तौर तरीक़े उनको सेलिब्रेट करें उनको शेयर करें दूसरों के साथ इंजॉय करें उनकी कल्चरल नाइट्स हों म्यूज़िकल नाइट्स हों सब कुछ हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है यानी कोई पंजाबी को किसी बलोची पर बरतरी हासिल नहीं है ना शरी तौर पर ना कॉन्स्ट्यूशनली ना किसी बलोची को किसी पंजाबी के ऊपर बरतरी हासिल है ये सिर्फ़ एक तहरीक है पी एल ए एक टेरिस तंजीम है जो कि उसके कुछ अपने अजाइम हैं और उसके अजय जो हैं उनको उसके अंदर बहुत अच्छा फिट करता ही है कि वो पाकिस्तान में एक रेशल या एथनिक लड़ाई को बढ़ावा दे कि पंजाबियों को हमने टारगेट किया नहीं उन्होंने सिर्फ एक प्रोपगेंडा के टूल की खातर पंजाबियों को टारगेट किया और इसके अंदर हमें नहीं पढ़ना चाहिए हम मुसलमान भी हैं और बतौर पाकिस्तानी शहरी हम इक्वल सिटीज़न हैं सारे तो ऑनलाइन अगर लोग गंदी बातें कर रहे हैं इस तरह की नेगेटिव के इस तरह अफगानी नमक हराम तो पंजाबी दाल खोर तो बलोची गद्दार तो वैसे तो ऐसे ये सब गालियाँ और इनको ये बोलना बहुत बड़ी गुना है ये बहुत बड़ा गुनाह है ये असबियत जो है ये इस्लाम में बाकायदा मना है और आपको किसी भी आबोल माँ से पूछ लें यह शहरी तौर पर इन पर बहुत सख्त ममानियत है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये बिल्कुल हमारे आइन के ख़िलाफ़ है यानि एक कानूनी तौर पर और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आप नोट करेंगे कि अक्सर जो कमेंटर्स और इस तरह की ट्वीट्स और इस तरह के इंस्टाग्राम कमेंट्स करने वाले उनके अंदर इंडियन बॉट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर ईरानी बॉट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर वो लोग मौजूद होते हैं जो पेड कैंपेन्स चला रहे होते हैं पाकिस्तान में डिसकॉड को पैदा करने के लिए और ये पूरी दुनिया में ये काउंटर इस्पिनाज की टेक्निक से इस्तेमाल की जाती हैं तो कोई ये बहीद और कोई नई बात नहीं है तो आप इस तरह की ऑनलाइन लड़ाइयों में ना पढ़ें अपने दो आप बल्कि कोशिश करें कि जो बलोच ब्लागर्स हैं बलोच कोई पॉडकास्ट मिलती है आपको बलोच रेडियो शो मिलता है बलोच कुछ भी मिलता है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करें वहाँ कमेंट करें उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बलोच कंटेंट क्रिएटर्स को हम बतौर शहरी ये कर सकते हैं ना मैं आम शहरी की बात कर रहा हूँ हम स्टेट से नहीं बात कर रहा स्टेट को बहुत कुछ करना है हमें आम लोगों को ये करना चाहिए आपस में कनेक्शन क्रिएट करें वहाँ जाके ब्लाग्स बनाएं उनके साथ ताल्लुक बनाएँ लोकल लोगों से ताल्लुक बनाएँ एंड अपने स्कूल कॉलेज में अगर आपके कोई दोस्त यार हैं उनसे दोस्ती करें आप और उनके साथ आप उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें क्योंकि अगर हम इस स्टेज के ऊपर डिस्कस करेंगे तो कल को हम में से कोई स्टेट अपराइटर्स का हिस्सा बनता है कल में से हम में से कोई बड़े किसी प्राइवेट सेक्टर इदारे का कोई इंचार्ज बनता है तो आपको फिर वो एगेटेरियन जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको ले चलेगा फिर वो अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे तो प्लीज़ बरए करम पॉजिटिविटी को मेंटेन करें हमने बहुत बड़ी दहशतगर्द तनजीमों से डील किया हुआ है हमने बड़ी बड़ी ठीक ठाक सिविल वॉर लेवल चीज़ों से डील किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टेट अपना काम करेगी अगर स्टेट कोई गलती या जुल्म करेगी बलुचान में उसको हाईलाइट करेंगे लेकिन बलोच लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान के, के मुहिब हैं और इस कॉम के लिए बहुत बड़ा असासँ उनके ख़िलाफ़ कोई बात कोई रेशल बात करना ये बिल्कुल नाजायज है और ये मत कीजिएगा और ना ही किसी को करने दीजिएगा किसी भी और पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ शुक्रिया कोई भी अगर आपके बोलने का हक दबाए तो आपने नहीं दबना यूट्यूब से आखिरी मुजाकर करके हतमी तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमारा जो मेन चैनल है वो डीमोनेटाइज ही रहेगा और बार बार उन्होंने यही बात की है कि आप फ़लस्तीन के मौजू पर आवाज़ उठाते हैं उधर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं रियल नंबर्स फैक्ट्स और फिगर्स देते हैं और ये चीज़ जो साम्राज्य है उसको पसंद नहीं आती अब इस सूरत हाल के अंदर ना हम हटेंगे ना हम परेशान होंगे ना हम घबराएंगे क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं हम आपको तीन एक्शन प्लान देंगे और आपने उनको इंशाला फॉलो करना है सबसे पहला आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज खरीद के दूसरे नंबर पे आप तीन हजार रुपए की सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं जो हमारी कॉज को सपोर्ट करती है और उस तीन हजार रुपए की सब्सक्रिप्शन के एवज़ आपको जितना भी हम कंटेंट नया फलस्तीन का शूट करेंगे वो एक्सक्लूसिवली मिलेगा जो यूट्यूब पे हम होस्ट नहीं करेंगे वो पेड वॉल के पीछे होगा तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स और बकिया चैनल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे हैदर डाल देगा एडिट में आप उनको लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाएं और उनको शेयर करें किसी को हक नहीं है चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो किसी की आवाज़ दबाए ई के ऊपर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो चाहे किसी यूट्यूबर की हो जिसे हम्तलाफ करें चाहे किसी सियासतदान की हो जो इस वक्त कैदी बन के जेल में बैठा हुआ है क्यों क्योंकि जब तक मैं और आप गुफ्तु करेंगे तब तक ताकतवर हलकों की मजबूरी होगी कि वो सही फ़ैसले लें फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ है ये इतना क्रिटिकल है कि आप सोच नहीं सकते पिछले डेढ़ साल से हमारा ये यूट्यूब का सफ़र शुरू हुआ है और इस वक्त वो एक इंतहाई नाजुक मोड के ऊपर है हम बार बार आपको बताते रहें कि हम चैनल लॉस पे ऑपरेट करते हैं ये इनकम जाने से हमारी आधी इनकम चली गई है जहाँ पे हम टीम एक्सपैंड कर रहे हैं रिसर्च एक्सपैंड कर रहे हैं रिपोर्टर्स एक्सपैंड कर रहे हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर एक्यूरेट कॉन्टेंट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर इतनी बड़ी वजी क्यों क्योंकि हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और बात की फायरवॉल तो मुल्क में आ गई है लेकिन अमेरिका के अंदर बैठी यूट्यूब कम जैसी कंपनी और फेसबुक जैसी कंपनी क्रैकडाउन फिर भी करती हैं तो यानी कि ये जो तासर था आपको कि शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच बाहर के मुल्कों में एग्जिस्ट करती है उनकी भी बेशुमार रेड लाइन्स हैं इस रेड लाइन को तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए शुक्रिया